शहर में बुधवार की दोपहर अचानक तेज गर्जना के साथ बरसी बारिश एक परिवार के लिए काल का कारण बन गई। कोतवाल डीपी दादीश ने बताया कि आजाद नगर निवासी उत्तम लालवानी अपने 14 वर्षीय बेटे भविष्य और बेटे के साथ एमजी हॉस्पिटल से घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान कॉलेज रोड पर पानी का तेज बहाव होने के कारण उन्हें अपना स्कूटर रोका, तभी भविष्य स्कूटर से उतरा और बहाव के कारण नाले को नहीं देख पाया और उसमें जा गिरा। एकाएक बालक को नाले में बहता देखकर पिता और बहन की चीत्कार फूट पड़ी। दोनों को रोता देख आसपास के लोग मौके पर दौड़े और बालक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नाले का बहाव तेज होने के कारण उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में कोतवाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाल डीपी दादीश ने गर्ल्स कॉलेज के निकट जेसीबी की मदद से नाले के बहाव को रुकवाया और बालक की तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद बालक का शव कुछ ही दूरी पर मिल गया। पुलिस ने शव महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।